ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के तहत हमीरपुर के एनआईटी परिसर में राज्य स्तरीय आजीविका एवं कौशल विकास दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिरकत की। इस अवसर पर विशेष तौर पर सांसद अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि का कार्यक्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि कंवर ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में विधायक नीरज ठाकुर, कमलेश कुमारी के अलावा डायरेक्टर पंचायती राज राकेश कंवर, डीसी हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा भी मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे उत्पादों को बाजार नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ग्राम स्वराज अभियान पूरे देश के अंदर शुरू किया है, उस कड़ी में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आज ग्रामीण स्तर के ऊपर बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको जो है वो बना रहे हैं, लेकिन ये जो लोग काम करते हैं ये जनता के बीच में नहीं आता है। ये इसका जनता के बीच में आए, लोगों को जो है वो इसका लाभ मिले, इससे जो है वो जीविका बढ़े, इसके लिए जो है वो ये कार्यक्रम आज तय हुआ है। हमने ये तय किया है सरकार ने कि हम उन प्रोडक्शन की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज से जो है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ पर है, हमारी यहाँ पर अपना एनआईटी है, एनएफटी है, हम इनसे भी जो है वो तकनीकी सहायता भी लेंगे, हम उनको डेवलप भी करेंगे, उनकी ब्रांडिंग भी करेंगे हिमाचल के ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की प्रोडक्ट्स की, और उनकी मार्केटिंग के लिए जो है वो हम स्थान जो है वो उपलब्ध कराएंगे, रहेगी सरकार उसमें सहायता करेगी। एक और बड़ी बात है कि ये कहाँ पर जाकर के इसको बेचेंगे। हमने तय किया है कि हम बड़े शहरों में जिला स्तर के ऊपर हम कोई ऐसा सेंटर जो है वो बनाएं जहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, उनको प्रॉपर जो है वो मार्केटिंग मिले, ऐसा जो है वो हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि कांग्रेस बौखलाहट में बयानबाजी कर रही है। कंवर ने कहा कि कांग्रेस अभी तक यह नहीं समझ पा रही है कि विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सत्ता में आए हैं कि हम प्रदेश के अंदर से माफिया राज का समूल नाश करेंगे, और इन 3.5 महीनों के कार्यकाल में हमने समूल नाश ही नहीं किया, हमने उनको खदेड़ा है। और ये लोग जबकि हमारे विपक्ष के लोगों के साथ मिल करके पिछली बार सरकार का ये लोग हिस्सा थे, अब ये बुखला गए हैं, और बुखलाहट में आज कांग्रेस की सरकार जो है वो काम कर रही है, कांग्रेस जो प्रतिपक्ष के रूप में जो है वो काम कर रही है। वो अपने आप को अभी तक ये स्थापित नहीं कर पाए कि वो उनको विपक्ष की भूमिका निभानी है, और बुखलाहट है। अदरवाइज अगर हम देखें तो जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं वो एक सामान्य घटनाएं हैं, जिससे जो है वो हमारी सरकार का कोई भी संरक्षण जो है वो उसमें नहीं है, हमारी नीति भी स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट। वहीं हिमाचल के कई जिलों में खुले में शौच मुक्त होने के बावजूद भी खुले में शौच के मामले सामने आने पर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इस बारे में पंचायतों पर नजर रखी जाएगी और दोबारा से खुले में शौच मुक्त करने के लिए सर्वे किया जाएगा। काफी हद तक जो है वो आगे बढ़े हैं, और इसके लिए हमें पूरे देश के अंदर पहला स्थान जो है वो हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ छुटपुट घटनाएं हैं, कुछ प्रवासी भारतीय जो हैं वो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, और कई जगह जो नई आबादियां बन रही हैं उसमें, लेकिन हमको हमने कहा है कि हम फिर से दोबारा एक सर्वे करवाएंगे, और उस सर्वे में जो भी बीच में आएगा हम उसके लिए भी जो है वो सुविधा ये शौचालय बनाने की जो है वो हम उपलब्ध कराएंगे, जो भी हमारा अंशदान होगा हम देंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश का इसमें पहला स्थान है और पहला स्थान बना रहेगा।